मैं हूं प्रीति, आप देख रहे हैं सदर समाचार। शनिवार के दिन जनपद भर में 6 ब्लॉक के 191 ग्राम पंचायत सदस्य, 2 प्रधान, 1 बीडीसी पद का उपचुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के कड़े दिशा निर्देश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उपचुनाव प्रक्रिया को देर शाम तक अंजाम दिया गया। ब्लॉक की प्रक्रिया के लिए 12 जून के दिन को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सुनिश्चित किया गया था, जिसके चलते शनिवार के दिन जनपद में कुल 194 पदों पर उपचुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराया गया, जिसमें मैनपुरी किसनी घ्योरोर कुरावली जागीर और करहल ब्लॉक पर उपचुनाव प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। जनपद भर में कुल 191 ग्राम पंचायत सदस्य, 2 प्रधान और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए लोगों ने उपचुनाव में मतदान किया है। ग्राम प्रधान के लिए कुरावली वन गांव के नगला ओछा और घिरोर के गांव नसीरपुर में उपचुनाव संपन्न कराया गया। वहीं घिरोर के गांव सैदपुर में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान प्रक्रिया हुई सुबह 9 बजे से शुरू हुई। उपचुनाव मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक लगातार जारी रही। उपचुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से कड़ी व्यवस्थाएं कराई गई थी। मतदान के समापन तक कंट्रोल रूम को भी संचालित किया गया था, जिसमें कंट्रोल रूम पर कंट्रोल रूम 2 और स्वयं जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय, मुख्य विकास अधिकारी ईसा प्रिया, अपर जिला अधिकारी बी राम, अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार, परियोजना अधिकारी के सिंह पूरी उपचुनाव प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए थे। बिना किसी अप्रिय घटना के देर शाम तक उपचुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। देखिए, जिन ग्राम पंचायत के चुनावों में ग्राम पंचायत सदस्यों का बहुमत नहीं था, उन गाँव में फिर से ग्राम पंचायत सदस्यों के पद हेतु चुनाव या निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका निर्वाचन आज हो रहा है। जो ये मैनपुरी ब्लॉक है, मैनपुरी ब्लॉक में 7 जगहों पर कुल पोलिंग सेंटर हैं, जहां पर मतदान चल रहा है सकुशल। हर जगह पुख्ता इंतज़ाम फोर्स के किए गए हैं, इसमें पीएसी बल भी हमारा लगाया गया है और सिविल पुलिस भी लगी हुई है, ऑक्सिलरी फोर्स भी इसमें डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ थाना प्रभारी, मैं स्वयं, हमारे उच्चाधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं, जिससे किसी भी तरह से ना तो मतदाता को डराया धमकाया जा सके और